म्यूज़िक की सभी जानकारियाँ व पियानो फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉर्ग के किसी भी कीबोर्ड में, मतलब प्रोफेशनल अरेंजर जो सीरीज़ होते हैं, पीए सीरीज़, जैसे पीए 300, 500, 700 या 900, जो भी सीरीज़ होता है पीए का, उसमें हम जो इसके टोन्स या स्टाइल्स है उसको पूरा बैकअप कैसे करते हैं और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे बहुत दिन से कमेंट आ रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो देखिए, इसको बैकअप और रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेन ड्राइव ले लीजिए और उसे इस यूएसबी पोर्ट में फिट कर दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद यूएसबी लगाने के बाद यहाँ आपके कीबोर्ड पे होगा एक ये मीडिया बटन, यहाँ पे देखिए ये मीडिया बटन को आपको प्रेस करना है। मीडिया बटन प्रेस करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आपके कीबोर्ड पे नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि पूरे कीबोर्ड का एक साथ बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ क्लिक कर दिए यूटिलिटी पे, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है फुल रिसोर्स बैकअप। तो ये फुल रिसोर्स बैकअप को क्लिक करके यहाँ आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लीजिए। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है डिस्क, तो यहाँ पे डिस्क पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए यूएसबी। यहाँ से USB सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद USB सेलेक्ट करने के बाद ये आपका पेन ड्राइव, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पेन ड्राइव में, इसलिए यहाँ पे खाली दिखा रहा है एम्प्टी। तो यहाँ पे आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ साइड से क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ आपका फोल्डर का नाम लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैं यही नाम रहने दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लीजिए। आर यू श्योर? यस। तो उसके बाद यहाँ आप एक फोल्डर बन गया अपने पेन ड्राइव पे न्यू नेम करके, तो न्यू नेम पे क्लिक करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ क्लिक करिए बैकअप पे। और यहाँ बैकअप का आपको फाइल का यहाँ पर नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ न्यू नेम वन कर देता हूँ और यहाँ ओके पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिए, तो वार्निंग देगा आर यू श्योर, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आपके पूरे कीबोर्ड का बैकअप एक साथ बन जाएगा। तो देखिए, बैकअप फाइल देखने के लिए यहाँ कॉपी पे क्लिक करिए और यहाँ यूएसबी सेलेक्ट कर लीजिए। यूएसबी सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, हमने जो फोल्डर बनाया था वो यहाँ पे है, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ न्यू नेम करके एक वो आ रहा है फाइल। तो यहाँ पे देखिए न्यू नेम 1.bkp, मतलब बैकअप, ये इसका एक्सटेंशन नेम है, मतलब ये पूरे कीबोर्ड का एक साथ बैकअप ले चुका है। अब इसको हमको रिस्टोर करना है, अगर कीबोर्ड का कुछ भी चीज़ डिलीट हो जाता है तो हमें इसे रिस्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी आप यूटिलिटी पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे है रिसोर्स रिस्टोर, तो यहाँ रिसोर्स रिस्टोर पे जाइए, उसके बाद यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिए। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क को यूएसबी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ न्यू नेम को ओपन करिए और यहाँ न्यू नेम बैकअप को फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ रिस्टोर और यहाँ ऑल करके यहाँ ओके करेंगे तो ये पूरा रिस्टोर हो जाएगा पहले जैसे। तो ये तो हो गया पूरे कीबोर्ड का एक साथ बैकअप। उसके बाद अगर हमारे कीबोर्ड का एक एक फाइल का बैकअप लेना है, मतलब स्टाइल का अलग बैकअप, टोन्स का अलग, पैड का अलग, तो ये बैकअप हम कैसे लेंगे? तो उसके लिए भी हम यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये मीडिया, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करके यहाँ जाएंगे हम सेव पे यहाँ ऑल उसको ओपन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्टाइल का अलग फाइल है, साउंड का अलग है, सॉन्ग बुक का अलग, परफॉर्म का अलग है, यहाँ नीचे करेंगे आप तो पैड का अलग, ग्लोबल का अलग, तो एक एक फाइल का भी हम बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्टाइल करके यहाँ सेव टू पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे यूएसबी सेलेक्ट करके यहाँ न्यू सेट क्लिक करेंगे और ये सेट का नाम, तो सेट का नाम दे दीजिए आप, उसके बाद यहाँ ओके कर दीजिए, तो स्टाइल का यहाँ पे बैकअप बन जाएगा। देखने के लिए फिर से आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं, या लोड पे क्लिक करेंगे तो वो जो बैकअप बनाया है वो लोड हो जाएगा। अगर आपका स्टाइल डिलीट हो जाता है तो सिर्फ स्टाइल को अपने को रिस्टोर करना है, तो ये लोड पे क्लिक करिए। लोड पे क्लिक करके यहाँ पे यूएसबी पे जाइए और ये न्यू नेम डॉट एस ई टी, मतलब सेट, जिसका एक्सटेंशन सेट है, मतलब वो लोड से यहाँ से रिस्टोर होगा। तो यहाँ पे लोड पे क्लिक, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ये लोड पे क्लिक करने से
स्टाइल जो डिलीट हुआ या कुछ भी हुआ था वो अपने आप रिस्टोर हो जाएगा पहले जैसे। तो अगर आपको सभी फाइल का एक साथ बैकअप लेना है, मतलब आपको स्टाइल का अलग, सॉन्ग का अलग, पैड का अलग, तो यहाँ पे सेव ऑल को ओपन नहीं करना है, ये ऑल फोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ सेव टू पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अपने यूएसबी सेलेक्ट करके न्यू सेट बना लीजिए। न्यू सेट का नाम कुछ भी दे दीजिए, उसके बाद यहाँ ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फेवरेट स्टाइल, यूजर स्टाइल, यूजर पैड, परफॉर्मेंस, सॉन्ग बुक, ग्लोबल, सभी का अलग अलग बैकअप बन, इसको बैकअप बन जाएगा। इसको आप डिसलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर लीजिए यहाँ, और यहाँ श्योर पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ लोड से आप लोड कर सकते हैं इसको भी। अगर आप नया कीबोर्ड लेते हैं तो आपको इंडियन स्टाइल ऐसे ही डॉट सेट के एक्सटेंशन में मिलेगी इस टाइप की। तो इसको आप यहाँ मीडिया में जाके, लोड में जाके ये सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद लोड पे क्लिक कर लीजिए। लोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप यस करते हैं तो सभी इंडियन स्टाइल या कोई भी स्टाइल आपके कीबोर्ड पर लोड हो जाएगी। तो ये रहा आज का वीडियो।